डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड दिस टॉपिक विल कवर अबाउट द हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कैटालिसिस एंड कैटालिस्ट्स। दिस कैटालिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दे एक्ट एज कैटालिस्ट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, हाउ दे एक्ट एज कैटालिस्ट एंड हाउ दे एक्ट इन द कैटालिटिक प्रोसेसेस। फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट्स एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट्स, हाउ दे वर्क, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसी उनकी जो अपनी केमिस्ट्री है उनकी कैसी होती है होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड हेट्रोजीनियस की कैटालिस्ट की, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, कहां पर हम होमोजीनियस कैटालिस्ट को यूज करेंगे, कहां पर हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को यूज करेंगे, बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दे आर इम्पॉर्टेंट एज कैटालिस्ट, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कैटालिस्ट की तरह, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, इसलिए हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में हम वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में पहला डिफरेंस अगर आप देखेंगे वो देखेंगे दैट होमोजीनियस कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट्स। जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं उनकी जो फेज होती है वो रिएक्टेंट्स की फेज की तरह ही होती है, यानी वो लिक्विड मीडियम में जनरली जो रिएक्शंस हैं वो जनरली कहां पर होंगी अभी आप देखेंगे, वो लिक्विड फेज में होगी। पहले हम ये डिस्कस कर लें कि जो कैटालिटिक होमोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस होती हैं वो कहां पर होंगी, सेम फेज में होंगी, जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस होती हैं दे अकर इन डिफरेंट फेजेज एज द रिएक्टेंट। एक्चुअली जो हेट्रोजीनियस है, नाम ही उसका हेट्रोजीनियस है, हेट्रो डिफरेंट, तो जो फेज होगी कैटालिस्ट की इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट, वाइल इन केस ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट द फेज ऑफ द कैटालिस्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ इफ वी सी द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, देन वी विल फाइंड दैट होमोजीनियस कैटालिस्ट आर जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे मे बी सॉल्ट और दे मे बी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो सॉल्ट हो सकते हैं या वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। और हेट्रोजीनियस जो कैटालिस्ट है वो क्या होते हैं, जनरली दे आर मेटल्स और दे मे बी मेटल ऑक्साइड्स, वो क्या हो सकते हैं, या तो मेटल हो सकते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं। इफ यू विल सी the next point of difference between homogeneous and heterogeneous catalysts, then we will find that homogeneous catalysts can be used at low temperature because at higher temperature they can be unstable, they are temperature sensitive। तो ये जो हैं, जो होमोजीनियस कैटालिस्ट्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, तो इसलिए उनको हम लो टेम्परेचर पर यूज करते हैं, जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हैं दे कैन बी यूज्ड एट हायर टेम्परेचर्स। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को हम हायर टेम्परेचर्स पर यूज कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट द रिएक्शंस जनरली अकर्स इन लिक्विड फेज बिकॉज इट इज होमोजीनियस कैटालिस्ट, so it should be in the same phase at that of reactant, क्योंकि एक homogeneous catalyst है तो इसकी phase वही होनी चाहिए जो reactants की होती है, तो generally ये कहाँ पर होती है, liquid phase में, क्योंकि जो जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे जैसे Wilkinson catalyst आप पढ़ेंगे तो Wilkinson catalyst के case में जो Wilkinson catalyst है खुद एक solid है but it is dissolved in, it can be dissolved in benzene or organic solvents, तो reaction जो है कहाँ की जाएगी, सॉल्वेंट में, जिससे कि फेज क्या हो जाए, लिक्विड, तो ये लिक्विड फेज में होंगे, जबकि जो
जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो रिएक्शन जो अकर होती हैं वो लिक्विड फेज में भी हो सकती हैं और गैसियस फेज में भी हो सकती है, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है और वो उसकी फेज किससे अलग हो सकती है, उसकी फेज अलग हो सकती है रिएक्टेंट से. सो दीज रिएक्शंस कैन अकर आइदर इन लिक्विड फेज और इन गैसियस फेजेस. अब अगर हम होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को अगर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से मैच करें कि क्या फायदा है होमोजेनियस कैटालिस्ट का या क्या नुकसान है, और क्या फायदा है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का और क्या उसका नुकसान है, तो उसके बेसिस पर हम ये कुछ डिफरेंसेस दे सकते हैं. जैसे जो होमोजेनियस कैटालिस्ट हैं उनकी अगर सेलेक्टिविटी को देखें तो दे आर हाईली सेलेक्टिव. आपने देखा अभी सेलेक्टिविटी देखी कि वो सेलेक्टिव होते हैं, और वो जैसे आप देखेंगे दे एक्ट एट स्पेसिफिक पोजिशंस, वो स्पेसिफिक पोजिशंस पर एक्ट करते हैं और दे आर वेरी एक्सीलेंट, उनकी सेलेक्टिविटी जो है वो एक्सीलेंट होती है. जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होंगे उनकी जो सेलेक्टिविटी होती है वो गुड होती है या पुअर होती है. मतलब सेलेक्टिविटी किसकी अच्छी होती है, होमोजीनियस की. होमोजीनियस की जो सेलेक्टिविटी है या तो वो हाई हो सकती है या वो एक्सीलेंट हो सकती है, जबकि हेट्रोजीनियस की जो सेलेक्टिविटी है वो या तो गुड होगी या पुअर होगी. तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी सेलेक्टिविटी, होमोजीनियस कैटालिस्ट की सेलेक्टिविटी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की अपेक्षा क्या है, अधिक है. इफ वी सी द डिफरेंस इन देयर एक्टिव साइट, अगर हम उनकी एक्टिव साइट का डिफरेंस देखें तो यहां होमोजेनियस कैटालिस्ट में क्या होता है कि एक सिंगल एक्टिव साइट होती है, उसमें एक ही साइट होती है, और वो साइट कहां पर होगी, मेटल के ऊपर वो साइट होती है. और यहां पर मल्टीपल एक्टिव साइट्स होती हैं यहां पर, क्योंकि जो जो हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट है वो क्या है, वो सरफेस पर एक्ट करता है, तो यहां पर मल्टीपल एक्टिव साइट्स होती हैं, जबकि इन केस ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस देयर इज सिंगल एक्टिव साइट. इफ वी कंपेयर देयर थर्मल स्टेबिलिटी, अगर हम उनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो आपने अभी देखा कि जो होमोजेनियस कैटालिस्ट हैं उनको हम लो टेम्परेचर पर यूज करते हैं, क्योंकि देयर थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी पुअर. दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव एंड एट हायर टेम्परेचर दे बिकम अनस्टेबल. तो इसलिए होमोजेनियस कैटालिस्ट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की जो थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या होती है, अधिक होती है. अब अगर हम इनकी कैटालिटिक रिकवरी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर इनकी कैटालिटिक रिकवरी देखें तो देखेंगे कि ये जो होमोजीनियस कैटालिस्ट हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली जो 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 आप रिएक्टेंट है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, तो इसलिए जो है उसको सेपरेट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो उसको सेपरेट करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो आप एक तरीके से देखेंगे, अगर हम चीनी का सॉल्यूशन बनाए तो चीनी के सॉल्यूशन में से क्या हम चीनी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. अगर छानना चाहे तो नहीं कर सकते. तो ऐसे ही यहां पर कैटालिटिक, क्योंकि जो जनरली उसी फेज में काम करता है जिस फेज में रिएक्टेंट होते हैं, तो इसलिए जो है उसको सेपरेट करना, उसकी रिकवरी करना बहुत कठिन है. जबकि एक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को अगर देखें तो हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने सॉइल को पानी में मिला दिया, वी हैड मेड द सस्पेंशन, तो वी कैन इजिली फिल्टर. So because there are two phases, one is solid and one is liquid. तो इस तरीके से जो heterogeneous catalyst हैं उनके केस में भी क्या होगा कि heterogeneous है वो उसकी phase अलग है और reactants की phase अलग है, इसलिए उसको आसानी से अलग किया जा सकता है, it can be easily separable. इसलिए ये क्या होता है, cheap होता है, क्योंकि इसकी कैटालिटिकल जो रिकवरी है वो आसान है, ये सस्ता होगा. और जो जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं दे आर एक्सपेंसिव, उनको सेपरेट करना भी कठिन है, और वो जो है वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं वो. अब अगर इनकी हम काइनेटिक स्टडी की बात करें, अगर हम इनकी काइनेटिक्स या मैकेनिज्म की स्टडी की बात करें तो वो इजी है किसकी, होमोजीनियस कैटालिस्ट की. जो काइनेटिक्स है वो आसानी से स्टडी की जा सकती है, उनका करेक्टराइजेशन किया जा सकता है डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. होमोजीनियस कैटालिस्ट का करेक्टराइजेशन किया जा सकता है, ये इजी इनकी स्टडी होती है, जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हैं उनकी स्टडी डिफिकल्ट होती है. तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं. हर एक
सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि होमोजीनियस को कम यूज करना चाहिए या हेटरोजीनियस को कम यूज करना चाहिए। बात यह है कि जहां पर होमोजीनियस कैटलिस्ट को हम यूज कर सकते हैं वहां पर हेटरोजीनियस को यूज नहीं करेंगे, जहां पर हेटरोजीनियस की जरूरत होगी वहां पर हम हेटरोजीनियस को यूज करेंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि उनकी मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, अगर उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें कि वो किस तरीके से एक्ट करते होंगे किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो उस मैकेनिज्म से हम डिफरेंस देख सकते हैं। एक और डिफरेंस हम उनके मैकेनिज्म के बेसिस पर देख सकते हैं, तो उस डिफरेंस को अब मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आपके साथ जो डिस्कस करूंगी मैकेनिज्म, दैट इज ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट का अगर हम क्या देखें मैकेनिज्म कि ये किस किस स्टेप में रिएक्शन होती है। होमोजीनियस जो रिएक्शंस होती हैं जनरली वो साइकिल फॉर्म में होती हैं, मतलब वो एक साइकिल बनाती, कैटालिटिक साइकिल, और उस कैटालिटिक साइकिल के थ्रू होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं। जबकि हेटरोजीनियस रिएक्शंस में कोई कैटालिटिक साइकिल नहीं होती है, इस जो कैटालिटिक साइकिल है वो मेन कौन बनाता है, होमोजीनियस कैटालिस्ट। अब हम इसमें देखें कि क्या क्या हो सकता है। नंबर वन जो पॉइंट है वो है कैटालिस्ट कैसा होता है, जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होता है उसकी क्या स्पेशलिटी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी होमोजीनियस कैटालिस्ट। उसको अगर होमोजीनियस कैटालिस्ट होना है तो उसको कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन होना है उसमें, या तो वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है या 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। इट शुड नॉट बी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पहले से ही क्या है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन उसमें नहीं होगा और उसमें कोई वैकेंट साइट भी नहीं होगी। तो ये हम तो जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन है यहां पर डबल बॉन्ड से मतलब नहीं, यहां पर मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो कि 18 होने चाहिए थे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है होमोजीनियस कैटलिस्ट का, जो इलेक्ट्रॉन 18 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो किसके होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के। ट्रांजिशन मेटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में, कितने होते हैं वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, एक एस होता है, 3 पी होते हैं, 5 डी होते हैं, तो टोटल 9 ऑर्बिटल होते हैं। 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। लेकिन यहां पर जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, दे शुड बी, दे शुड हैव लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन किसे कहेंगे, जब इस पर क्या होगी, वैकेंट साइट। अब देखिए अगर 16 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि 8 ऑर्बिटल भरे हैं और एक ऑर्बिटल खाली है, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 7 ऑर्बिटल भरे हैं, 2 ऑर्बिटल खाली है, मतलब क्या हो गए, वो जो खाली ऑर्बिटल हैं दे आर वैकेंट साइट्स जहां पर रिएक्टेंट विल बाइंड, जहां पर रिएक्टेंट क्या करेगा, बाइंड कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन। उसका कोऑर्डिनेशन पूरा नहीं है, उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन उसको करना चाहिए था 6 ग्रुप्स के साथ, लेकिन उसने 5 ग्रुप के साथ ही कोऑर्डिनेशन किया और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना दिया, तो उसका एक जो कोऑर्डिनेशन साइट है वो खाली है। उस कोऑर्डिनेशन साइट पे कोई रिएजेंट अटैक कर सकता है आसानी से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनियस कैटालिस्ट को क्या होना चाहिए, इट शुड बी कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन कंपाउंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली वैलेंस शेल में नहीं भरे होने हैं, जिससे कि there will be vacant site for reactant binding, okay? Then अब इस पर जब बाइंड हो गया, मान लीजिए कि इस ये एक अनसेचुरेटेड वो है कैटालिस्ट और उस पर रिएक्टेंट बाउंड हो गया। अब रिएक्टेंट बाइंड हो गया तो क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, अब इस पर क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, देखिए इस पर जो रिएक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है क्योंकि इस पर एक वैकेंट साइट है, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेशन भी होगा और एडिशन भी होगा। और क्या हो सकता है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस हो सकती हैं, कुछ और रिएक्शंस हैं जैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। ये रिएक्शंस हैं जो उस वैकेंट साइट पर हो सकती हैं, उस पर ऐड होने के बाद ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा थ्रू रिडक्टिव एलिमिनेशन और थ्रू बीटा एलिमिनेशन।
अगर किसी रिएक्शन की शुरुआत है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से तो उसका अंत होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन से. रिडक्शन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा, क्योंकि पहले उसका क्या हो चुका है ऑक्सीडेशन और उस पर क्या हो चुका है एडिशन. इसलिए ये एक साइकिल की तरह है कि पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, फिर कुछ रिएक्शंस हुई, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ये एक साइकिल बन जाएगी. तो इस साइकिल के थ्रू क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस इस कैटालिटिक साइकिल की फॉर्म में होती हैं. अब हम देखें कि हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट्स की क्या मैकेनिज्म होगी. हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट्स की जो एक्टिव साइट होती है वो कहाँ होती है, सरफेस पर. तो उसमें बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं और वो मेटल या मेटल ऑक्साइड की सरफेस पे होगी, जो कैटालिस्ट होगा उसकी सरफेस पे होगी. अब वहां पर आपने देखा तो होमोजीनियस में क्या था, कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन. यहां पर जो सरफेस है वहां पर एक्टिव साइट है, तो यहां पर कोई कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन की जरूरत नहीं है. फेज अलग है, इसकी है अलग है, रिएक्टेंट की अलग है. तो सरफेस पर एक्टिव साइट होगी जहां पर रिएक्टेंट्स विल डिफ्यूज ऑन द सरफेस. यहां पर क्या होंगे, जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल डिफ्यूज. अब जब वो आ गए वहां पर, जो रिएक्टेंट्स हैं वो कहां पर आ गए, सरफेस में. अब सरफेस में आने के बाद क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस में अकर, लेकिन वो रिएक्शन बिल्कुल अलग तरह की होंगी होमोजीनियस कैटालिस्ट से. यहां पर जो रिएक्शंस पॉसिबल हैं वो हो सकता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, किसका, रिएक्टेंट्स का. ये हो सकता है केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्टेंट्स का. रिएक्शन हो सकती है ऑन द सरफेस. रिएक्शन कहां पर हो सकती है, कहां पर होगी, सरफेस पर, किसके, कैटालिस्ट के. अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो स्टेप है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के केस में क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड देन फाइनली डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. यहां पर आप देख सकते हैं जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है वहां पर जो पहला स्टेप है वो है एडजॉर्प्शन का. और जहां एडजॉर्प्शन होगा वहां पर फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब डिजॉर्प्शन होगा. जो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस है वहां पर क्या होगा, डिजॉर्प्शन, तब जो प्रोडक्ट है दैट विल डिफ्यूज फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. ठीक है, तो आप को कुछ समझ में आया होगा, आई थिंक इट्स ओके. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस. तो अगर मैं इस पूरे टॉपिक को संक्षिप्त रूप में आपको बताऊं, उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं, एक बार आपका रिवीजन कराऊं, रिवीजन हम करते हैं, तो हम इस रिवीजन में ये देखेंगे जो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट्स हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं. और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं. एक तो होमोजीनियस कैटालिस्टिक प्रोसेस में एक्ट करेंगे और एक हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस में एक्ट करेंगे. जो होमोजीनियस है नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, ये सेम फेज में होगा रिएक्टेंट्स के, लिक्विड फेज में रिएक्शंस होंगी, लो टेम्परेचर पर काम करता है. और ये क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. इनकी जो सेलेक्टिविटी वो हाई होती है, सिंगल एक्टिव साइट होती है, और इनकी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है, यानी इनका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, और अगर हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि उनके जो फेज है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम रिएक्टेंट्स. ये क्या हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर एक्ट कर सकते हैं. ये जो रिएक्शंस है दे कैन अकर इन लिक्विड और गैसियस फेजेस. इनकी जो सेलेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती है इन कंपेरिजन टू होमोजीनियस कैटालिस्ट. और इनकी जो साइट्स होती हैं एक्टिव साइट्स, दे आर मल्टीपल एक्टिव साइट्स. ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे एक्ट कर सकते हैं. और ये क्या होते हैं, चीप होते हैं, जो हेट्रोजीनियस जो कैटालिस्ट होते हैं, दे आर चीप एंड इजी टू सेपरेट. वी कैन इजीली सेपरेट दीज कैटालिस्ट. और अगर हम इनकी मैकेनिज्म की जो डिफरेंस देखें, हम जल्दी जल्दी इसको हम कंक्लूड करेंगे कि अगर हम इनको क्या देखें, इनकी इफ यू सी देयर मैकेनिस्टिक डिफरेंस, तो उसमें हम देखेंगे जो होमोजीनियस कैटालिस्ट है वो साइकिल कैटालिटिक रिएक्शन शो करता है साइक्लिक फॉर्म में. तो उसमें क्या होता है कि नंबर वन, होमोजीनियस कैटालिस्ट को क्या होना चाहिए,
कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड होना चाहिए, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 से कम होने चाहिए उसमें, क्योंकि क्या होगी वैकेंट साइट, उस वैकेंट साइट पर कौन अटैक करेगा, रिएक्टेंट। अब उस पर अटैक करेगा, उसके बाद उसमें कुछ रिएक्शंस होंगी, दे मे बी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, माइग्रेटरी इंसर्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस और एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शंस। एंड इफ ऑक्सीडेटिव एडिशन अकर्स देन द लास्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो ये साइकिल है होमोजीनियस कैटालिसिस की। अगर हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को दोहराएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सरफेस पर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं और इस साइट्स पर कौन अटैक करता है, रिएक्टेंट आ जाएगा सरफेस पर, वहां पर कुछ प्रोसेसेस होंगी, उस रिएक्टेंट का फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं सरफेस पे। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, थ्रू डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन होगा तो उसका क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो उस जो जो डिजॉर्प्शन होगा उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आपको एक्चुअल डिफरेंस जो समझ में आ गया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के बीच में, उसको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑन विल्किंसन कैटालिस्ट एंड ऑन जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। क्योंकि जब तक हमें ये कंसेप्ट नहीं आएगा कि होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे डिफरेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट हैं उनकी जो मैकेनिज्म है या उनकी वर्किंग है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। उसको हम तब समझ पाएंगे जब हम क्या जान लें, अबाउट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या है। तो आप इसको समझने में कामयाब हो गए होंगे, या इसको आप अगर सुनेंगे तो आपको आ जाएगा कि होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश होगी कि आपको इसको एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे कि होमोजीनियस कौन है और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कौन है, कैसे वो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबको कि आप लोगों ने इसको इतनी पेशेंसली इस वीडियो को देखा और समझा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इसका जो कंटेंट है वो आपके समझ में आ जाए, उसको आप यूज कर सकें, अप्लाई कर सकें अपनी स्टडी के दौरान, तो वो बहुत खुशी प्रदान करेगा मुझे। धन्यवाद बहुत।